हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज लेक्चर में ना लगभग चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लगभग। इक्का दुक्का बात रह सकती है, कल आते ही 15 मिनट में खत्म कर देंगे। चैप्टर बिल्कुल पैक हो रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की तरफ, लास्ट चैप्टर की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। अब बेटा मैं आज फिर एक बहुत तगड़ा गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस चैप्टर में नंबर स्कोर करने के लिए ना बेटा ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल सामने, ठीक है जी। और मैं कह रहा हूँ 40 मिनट मेरे हैं बेटा, मुझे ये बात भी बतानी है और एक इलस्ट्रेशन भी कराना है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, जो जिससे पड़ोसी से आपको बात करनी, इसके बिना रहा नहीं जा रहा, पेट में दर्द चल रहा है। बेटा हमने ना कभी ट्रायल बैलेंस बनाया था, हमने ना कभी ट्रायल बैलेंस बनाया था जो कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बना करता था। ट्रायल बैलेंस में बेटा तीन कॉलम होते थे, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये तीन कॉलम होते थे, ठीक है जी। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो ट्रायल में भी क्रेडिट रहती थी, परचेज हमेशा डेबिट होती है यहाँ भी डेबिट रहती थी, कोई भी एसेट्स हमेशा डेबिट होती है यहाँ भी डेबिट रहती थी, ऐसे करके ट्रायल बनाया था। बहुत सारी आइटम डेबिट में, बहुत सारी आइटम क्रेडिट में, अगर हमने सब कुछ अकाउंटिंग वाइज ठीक किया होता था तो ट्रायल लगभग लगभग हमारा मीट आउट हो जाता था, ठीक है जी। ऐसे करके ट्रायल बैलेंस होता था बाबू। ट्रायल बैलेंस को भी हम समरी ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी समरी ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। पर इस समरी और उस समरी में एक अंतर है, ट्रायल कभी प्रॉफिट या लॉसेस नहीं निकलवा के देता था, लेकिन बेटा अब आपने देख लिया बहुत अच्छे से, ट्रेडिंग अकाउंट हमें जीपी या जीएल निकलवा के देता है ना, और पीएनएल अकाउंट हमें एनपी और एनएल निकलवा के देता है, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये कोई नहीं बताता, सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बता सकता है ना, ठीक है ना, यही फर्क है ना। है तो वो भी समरी ऑफ अकाउंट्स है, ये भी समरी ऑफ अकाउंट्स। अब आपको बताता हूँ बेटा, हमें जब पेपर कहता है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 99.99% केसेस में हमें क्वेश्चन में ट्रायल गिवन होता है, ट्रायल से ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। शुरू के 13 इलस्ट्रेशन में किसी में भी ट्रायल बैलेंस नहीं है, किसी में भी नहीं है, और आपको बता देता हूं कोई भी पेपर में आएगा नहीं, आएगा तो यही ट्रायल ही गिवन होगा, ट्रायल से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। अब गुरु मंत्र सुन लो बेटा, मैं बच्चों को ना इतनी छोटी इतनी क्लैरिकल एरर करते हुए देखता हूं, सिर्फ रटने का पता है। रटली ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम गई, रटली पीएनएल अकाउंट में कौन सी आइटम गई, रट लिया एसेट साइड गया, रट लिया लाइबिलिटी साइड गया। अरे भैया बेसिक कंसेप्ट तो जानो, ठीक लिया ठीक है, रट्टे तो होते हो, ऐसी ऐसी गलतियां करके आते हैं बच्चे की बंदा सर पकड़ ले। अब बेटा मैं कुछ काम की बात बोलने जा रहा हूँ, ये गलती आपकी कॉपी में ना देख लूँ, इसके अलावा गलती कर लेना, इंसान हो गलती कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल राइट है आपका। पर बेटा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो वाली सिली मिस्टेक ना हो जाए। बेटा ट्रायल के ना डेबिट में ना आइटम दी गई है कम से कम, मैं बोलता हूँ 50, आपको एक ट्रायल बैलेंस पेपर। बेटा अब सुनो, ये सिर्फ तीन ही जगह जा सकती है, ट्रायल की डेबिट तीन ही जगह जा सकती हैं, सुनना मेरी बात। ट्रायल में अगर कोई चीज डेबिट है ना, बाय डिफॉल्ट बता देता हूँ, जर्नल एंट्री में डेबिट हुई होगी, उसका लेजर में डेबिट साइड ही बैलेंस आया होगा, और वो ट्रायल में डेबिट ही हुई होगी, और वो बेटा तीन ही जगह जा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में, और एसेट्स में, क्योंकि एसेट्स भी डेबिट ही होती है। या तो आपका जगह ट्रेडिंग का डेबिट, या आपकी जगह पीएनएल का डेबिट, या आपकी जगह एसेट्स, अगर कहीं और गया ये इन तीनों जगह के अलावा, तो बेटा आपको बेसिक अकाउंट ही नहीं आती भाई, जीरो बिल्कुल नल्ले हो। और अगर कोई चीज क्रेडिट में है ट्रायल के, तीन ही जगह जा सकती है, ट्रेडिंग का क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट, या लाइबिलिटी, और कहीं जा ही नहीं सकती भाई। और बच्चों को मैं देखता हूं, यहां लिखा हुआ है रेंट, देखो उसने नहीं दिया रेंट रिसीव, सिंपल रेंट दिया लेकिन अमाउंट क्रेडिट में दी। अरे तुम ही समझ जाओ भैया, अगर उसने रेंट क्रेडिट में दिया, जर्नल एंट्री में क्रेडिट रहा होगा ना, खर्चा नहीं हो सकता, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये रेंट रिसीव था, और बच्चा कहां चिपका गया होता है, पीएनएल के डेबिट में। तुम्हें बेसिक ही ज्ञान नहीं है बेटे, अगर कोई चीज ट्रेडिंग के, अगर कोई चीज ट्रायल के क्रेडिट में बड़ी थी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, या लाइबिलिटी में, बस तीन ही जगह जा सकती थी, चौथी जगह पैदा ही नहीं उसके लिए। मैं आपको कह रहा हूं गलती अलाउड है,
अगर आपने कोई चीज ट्रायल के डेबिट में देख ली थी वो ट्रेडिंग के डेबिट में, लेकिन आपने क्या किया पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, मुझे गलती बिल्कुल बर्दाश्त होगी। कम से कम मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट तो पता है कि डेबिट की चीज डेबिट ही रहेगी, क्रेडिट नहीं हो सकती, मेरे को ये गलती बिल्कुल बर्दाश्त है। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ डेबिट में लिखी हुई है और आप उसको लाइबिलिटी में लिख के आ रहे हो या ट्रेडिंग या पीएनएल के क्रेडिट में लिख के आ रहे हो, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है बेटा, फिर तो राइट ही नहीं है पढ़ने का भैया हमारे पास, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग नहीं समझ रहे हो आप। क्लियर है बात? मैं आपकी सबकी कॉपियों में गलती देख लूंगा, पर ये गलती सिली मिस्टेक ये नहीं देखी जाएगी मुझसे, मैं पहले बता रहा हूं बेटा बात। ठीक है, अब मैं बेटा एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें सब कुछ है, ट्रेडिंग अकाउंट भी, पीएनएल अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी, करेंगे हम दोनों साथ साथ ही, थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लेते हैं पहले उसका। ठीक है जी, आज दो क्वेश्चन का टारगेट है, यही करने, कोई होमवर्क नहीं है बेटा आपके लिए। कहता है गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपीचंद ब्रॉस एज एट 31st of March 2020। ट्रायल बैलेंस गिवन है बेटा गोपीचंद का 31 मार्च 2020 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तीनों चीजें चाहिए, यानी कि उसको ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए, पीएनएल अकाउंट भी चाहिए और बैलेंस शीट भी चाहिए उस डेट की। ये देखो जी, ट्रायल में डेबिट बैलेंस कहां जाएंगे, ट्रेडिंग का क्रेडिट, सॉरी ट्रेडिंग का डेबिट, पीएनएल का डेबिट या एसेट्स। ठीक है जी, और क्रेडिट बैलेंस, ट्रेडिंग का क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट, लाइबिलिटीज। बेटा मैं तो कह रहा हूं आज अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, डेबिट साइड सारी तुम्हारी, क्रेडिट साइड मेरी सारी, जितनी क्रेडिट की आइटम है मैं बताऊंगा कहां चाहेंगे। ठीक है, जितनी डेबिट के तुम सब मिलके बता देना। ठीक है जी, और मैं तो कह रहा हूं साहब बिल्कुल बराबर रहेगा, ऐसे ड्यूटी बिल्कुल बट चुकी है प्यारे बच्चों आज। ठीक है जी, देख लेते हैं डेबिट में कितनी आइटम है, यहां से शुरू ही बाबू। ओहो, अब क्रेडिट में भी देख लेते हैं, ये पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, सब कर्मों का हिसाब है बाबू, सबको भुगत के जाने हैं यहाँ पर। ठीक है जी, डेबिट साइड तुम्हारी, क्रेडिट साइड मेरी, हिसाब देखो हमेशा बराबर है, ट्रायल का टोटल हमेशा बराबर है, जितना डेबिट का उतना ही क्रेडिट का है, मुझे क्या आइटम तुम्हारे पल्ले ज्यादा आ गई तो। ठीक है जी, एक काम करेंगे हम, फॉर्मेट रेडी करेंगे, पर फॉर्मेट कैसे रेडी करना है ये भी बता देता हूँ, एक नोटबुक देना बेटा बाबू, फॉर्मेट कैसे रेडी करना है ये भी समझ लो। बेचारा एक ही बच्चा मेरे पास पढ़ता है, एक ही कॉपी में डिबेट राइटिंग, उसी में इकोनॉमिक्स के ग्राफ, उसी में अकाउंटेंसी। सुनो जी बेटा, नोटबुक में ना हमेशा इस पेज पर ऊपर हेडिंग डलेगी ट्रेडिंग एंड अनमोल भाई रुक, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं तो बेटा 31 मार्च 2020 तक बना रहे हैं, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2019 टू 31st of March 2020 और बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2020। ठीक है बेटा, अगर आपके पास ये एक साइड का पेपर खाली भी है तो भी शुरू मत कर देना यहां से। मैं बच्चों को देखता हूँ, यहाँ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और यहाँ बैलेंस शीट, यकीन मानना एक आइटम कभी ट्रेडिंग पीएनएल की आएगी, एक बैलेंस शीट की, ऐसे ही करते रहोगे, लगेगा क्या फर्क पड़ता है। चलो आप, मैं आपको प्रूव कर दूंगा बेटा, किसी दिन अगर आपका मन करे एक पेपर पे ऐसे करके शुरू कर लेना, मैं बिना ऐसे करके शुरू कर लूंगा, कम से कम 3 मिनट आप मेरे से फालतू वैसे ही लगोगे, वैसे ही 3 मिनट फालतू लगाओगे, और बेटा हमें तो एक एक मिनट बचाना है अपने एग्जाम में। ठीक है ना जी, तो बेटा दो पेपर बिल्कुल आमने सामने के यूज करने हैं और फॉर्मेट आपको पता है, और जो बेटा नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं वो आपको पता है, फॉर्मेट रेडी करना शुरू करो। ठीक है जी, फॉर्मेट रेडी करना शुरू करो, जल्दी इसे स्पीड बढ़ाओ बेटा। बाबू मैंने लिख के खत्म किया तो मुझे कॉपी में आपके फॉर्मेट चाहिए, मैंने अगर यहां लिख के खत्म कर दिया मुझे फॉर्मेट चाहिए आपकी कॉपी में, ध्यान रखना बेटा।
बेटा पढ़ना शुरू करेंगे, क्वेश्चन दो करने आज, स्पीड बढ़ाकर चलना, ठीक है। नहीं, जैसे ही एक बच्चा बताएगा वैसे ही लिखना शुरू कर देंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक आइटम दी गई है, ओपनिंग स्टॉक 45,000। मैं डेबिट साइड की पढ़ रहा हूँ, डेबिट साइड की सब आपने बतानी है। अगर तीन जगह के अलावा कहीं मुझसे कुछ और निकल गया, पिटाई पक्का हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है जी। ट्रेडिंग का डेबिट, पीएनएल का डेबिट या एसेट्स, और अगर कोई चीज ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है, अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना हो लिख सकता हूं, पर वो फिगर माइनस में जाएगी, साइन बदल के जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो जी वृंदा, पहली आइटम ओपनिंग स्टॉक 45,000, कहां दिखाऊं? ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाऊं बेटा? क्यों हो गया? रॉकेट कैसे उड़ाना है ये पूछा? नहीं पता? तेरे से तो मुझे ये उम्मीदें हैं भी नहीं बेटा, क्यों अच्छी खासी इमेज को इतना डाउन कर रही है? ये तो कोई भी बता देगा जो पहले दिन में आया हो ट्रेडिंग अकाउंट में, पहली आइटम ही ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट की पहली आइटम है टू ओपनिंग, ये तो उदिश भी बता देगा, बताओ उदिश। अरे वाह, मतलब मैंने बता दिया कहां जाएगा, उसके बाद भी कह रहे एसेट। किसने बताया था? ये नल्ला ही है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक जाता है एसेट में, ओपनिंग स्टॉक नहीं जाता। एसेट क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, लिखो बराबर से, स्पीड बढ़ाओ। टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। वृंदा जी जब घूमने गए थे उसके बाद आके वीडियोस नहीं पूरी करी, बहुत अच्छी बात, अभी बताता हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। नेक्स्ट आइटम परचेजेस, टकरान ली कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट में गिन के पांच ही आइटम है बेटा, ठीक है जी। परचेसेस 1,20,000। पहले बच्चों ध्यान रखना, इनर कॉलम में ही लिखना, इनर कॉलम। अगर किसी ने वहां लिख दिया ना बाहर अमाउंट, गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि अभी रिटर्न्स माइनस होंगी, नेट परचेसेस जाएंगी बाहर। चलो जी परचेसेस भी डन, स्पर्श रिटर्न इनवर्ड 3200। हाँ ट्रेडिंग में कहाँ डेबिट, ताड़े खाने हैं, कौन से रिटर्न है? वो रिटर्न जो बिजनेस के अंदर आई, यानी कि बाहर कुछ गया होगा, बाहर सेल्स जाती है, कौन से रिटर्न है? सेल रिटर्न है। कहाँ जाती है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में माइनस होती है, डेबिट में नहीं दिखानी, ठीक है बेटा। क्रेडिट साइड माइनस में जाएगी, अगर क्रेडिट साइड माइनस में दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली वो चीज तो डेबिट ही है ना। सोच लो सेल रिटर्न जर्नल एंट्री में क्या होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट होती है ना बाबू, इसलिए रिटर्न अगर कभी डेबिट में रिटर्न दिख जाए हमेशा सेल रिटर्न है। ये सोच लिया करो कौन सी रिटर्न जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, ठीक है जी। अब सुनना, ये रिटर्न कितने की है? 3200। मेरा थोड़ा सा स्टाइल कॉपी कर लो, मैं बता रहा हूँ ये 12 तक मदद करेगा, और सिर्फ 12 तक नहीं, सीए भी करोगे तो भी मदद करेगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और ये फिगर मुझे पता है जो मैंने अभी पढ़ी 3200। मुझे सेल्स की फिगर नहीं पता, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ जो क्या करेंगे बेटा, ट्रायल में पढ़ना शुरू कर देंगे और सेल्स ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई गधों का इलाज सुन, आपने समय खराब करने की ठान ली तो ठान ही ली भैया, इतना समय करना ही क्यों, अगर अब आ जाएगा जब पढ़ते रहेंगे कभी तो आएगी ना सेल्स, तब लिख देंगे फिगर, जगह तो छोड़ी थी मैंने, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ाओ बात को, कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज इनवर्ड 2400, कैरेज आउटवर्ड 1500, दोनों तू बताएगा कौन सी, दोनों, वेरी गुड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 9 नाम सुन लिए, और बंदे ने 9 नाम सुना दिए, और उस दिन पता क्या कर रहा था स्पर्श को घर वगैरह, रे छोड़ तुम्हें कहां याद है, ऐसा सुना रहा था मेरे को टिप्स पे। क्या है फायदा ऐसा रटने का कि आदमी को यही नहीं पता कि कैरेज इनवर्ड कहां जाती है और आउटवर्ड कहां जाती है,
कैरेज इनवर्ड इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड आउटवर्ड इज द पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। समझा समझा के थक गए कि इनवर्ड मतलब परचेज से रिलेटेड कैरेज और आउटवर्ड मतलब सेल से रिलेटेड कैरेज। कैरेज इनवर्ड 2400, कैरेज आउटवर्ड 1500। देखो जी बाबू कैरेज इनवर्ड लिख दिया मैंने, एक मिनट सामने देखो। मुझे पता है बेटा, देखो दो तीन खर्चे और आ सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, दो तीन खर्चों का स्पेस छोड़ दो और बेटा फिर पीएनएल अकाउंट के खर्चे लिखना शुरू कर दो। कैरेज आउटवर्ड 1500, पहले मैं पूछ लेता हूं, मैं अगले क्वेश्चन में ज्यादा आइटम खुद बता दूंगा। शिवम भाई, शिवम तो देखो हमेशा बताने ही चाहता है, दो आइटम बताएगा मुझे, सेंडरी क्रेडिटर और रिटर्न आउटवर्ड, क्या करूं? सेंडरी क्रेडिटर तो लाइब्रेरी है, वेरी वेरी गुड ब्रदर। कहां पर, कौन सी साइड, कौन सी रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड, डेबिट साइड, किस तरफ लिखी हुई है ये, किस तरफ लिखी हुई है पहले ये बता। बाय साइड लिखूं? देख मैं अगर बोला तो अभी बाय हो गया बेटे, डेबिट ही जाएगी पर माइनस में जाएगी। अबे सोच तो ले, रिटर्न आउटवर्ड वो रिटर्न जो बाहर भेजी बेटे, अंदर बिजनेस के अंदर परचेजेस आती हैं, बाहर कौन सी रिटर्न जाएगी, परचेज रिटर्न, डेबिट में ही जाएगी पर जाएगी माइनस में क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है। फिर नहीं तू सोच पाए जो गलती स्पर्श कर रहा वही तू कर रहा। परचेज रिटर्न 2500, क्रेडिटर 2100, इधर देखना चाहिए बेटा, क्रेडिटर्स 22100 रुपए के और परचेज रिटर्न 2500 रुपए की। ये परचेज मैंने लिखी हुई है, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि परचेज रिटर्न जरूर आएगी। परचेज रिटर्न 2500, 1175000, ठीक है जी। सेल्स और कैपिटल, केशव छाबड़ा, सेल्स साइड भी बताया कर बाबू, क्रेडिट, क्रेडिट के आइटम है, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, और कैपिटल लाइबिलिटी, वेरी वेरी गुड। सेल्स 3.5 लाख, कैपिटल 2 लाख, बड़े देर से इसकी भी इंतजार हो रही थी कि कभी तो आएगा, मैंने माइनस कर दिया बेटा और बाट लिख दी फिगर, ठीक है ना। और कैपिटल 2 लाख रुपए, ये लो, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं जी। बाबू लोन फ्रॉम बैंक और डिस्काउंट रिसीप्ट, कटारिया, लोन फ्रॉम बैंक और डिस्काउंट रिसीप्ट, क्या चीज, डिस्काउंट रिसीप्ट। अच्छा लोन फ्रॉम बैंक का मतलब क्या, बैंक लोन। अगर तुम इतनी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे तो फिर तो भैया क्या ही है, ठीक है जी। बैंक लोन है, कर्जा है हमेशा, लाइबिलिटी बिल्कुल बढ़िया 24,000 की, और डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल में क्रेडिट साइड जाएगा और तो कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक है जी। ट्रेडिंग में तो क्रेडिट में वैसे ही दो आइटम जाती है, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। और ये लाइबिलिटी है नहीं तो कहां जाएगा, पीएनएल में। बैंक लोन 24,000, डिस्काउंट रिसीव 2000, बैंक लोन 24,000, बैंक लोन 20,000 था ना, 24,000, अच्छा डिस्काउंट रिसीप्ट हो जाए बाय डिस्काउंट रिसीप्ट, चलो जी। प्रणित कमीशन 1600 रुपए, साइड क्रेडिट, वेरी गुड। अब देखो किस मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो, मैंने अभी एक मिनट पहले बात करी थी बेटा, वैध शुरू करते ही कमीशन रिसीव्ड नहीं लिखा, और आधे से आधे बच्चे गलती क्या करते हैं, कमीशन, अरे भैया खर्चा, चलो जी
भैया जबरदस्ती की अजम्पशन है आपकी, क्रेडिट साइड में दिया गया है यानी कि कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है ना। कहाँ जाना चाहिए? पीएनएल के क्रेडिट में जाना चाहिए। पीएनएल के क्रेडिट में दिखा दो बेटा 1600 रुपए, ठीक है जी। कमीशन रिसीव्ड 1600 रुपए बेटा, अभी भी एक आइटम बकाया है और सबसे मजेदार क्वेश्चन उसी पे रहते कौन, फारस भाई, फारस तो रहते ही अभी। फारस भाई एक क्वेश्चन का जवाब दो, स्टॉक एट द एंड। अब मैं ये बात बता देता हूं, ये बात आपको अगले चैप्टर शुरू होते ही पता लग जाएगी, यानी कि कल ही पता लग जाएगी कि ट्रायल पूरा खत्म हो गया, कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, लेकिन जहां ट्रायल का टोटल मीट आउट हो गया, ट्रायल बंद हो गया, वहां दिया हुआ स्टॉक एट द एंड। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल के अंदर नहीं होता, दिख भी रहा है, ट्रायल के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। खैर चलो, क्यों पड़ा हुआ है ये भी पता लग जाएगा। परस कहां दिखाऊं स्टॉक एट द एंड 75,000 रुपए, ट्रेडिंग अकाउंट दिखा दो बेटा। वैसे पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो जाएगा ही जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी जगह भी जाएगा, कोई एक जगह नहीं जाता क्लोजिंग स्टॉक, एसेट भी तो है, ठीक है ना। क्यों उदिश ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एसेट भी तो है बेटा, दो जगह जाएगी ध्यान रखना, ट्रेडिंग का क्रेडिट और एसेट्स। देन अब पेन मत चला, सामने आ जाओ, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। पप्पू सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, और हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, ये सारी आइटम्स दिखा दी दोनों, चलो यार मैं यहीं से बता देता हूं बबू, हमने ये सारी आइटम्स दिखा दी है, ठीक है। जहां जो जानी चाहिए थी, अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट ऐसे क्लोज नहीं होते बिना बैलेंसिंग करे, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्रेडिट साइड का टोटल करा इन रफ, डेबिट साइड का टोटल करा इन रफ, जो ज्यादा आया दोनों तरफ चिपका दिया और बैलेंस निकालने की कोशिश करी। क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा बड़ी आ रही है बेटा, ये आ रही है 4,21,800 और बैलेंस बच रहा है यहां पर। बेटा अगर मेरी क्रेडिट साइड मेरे खर्चों के साइड से डेबिट साइड से ज्यादा बढ़िया है, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट, याद आ रहा है, और लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है नी। और ये प्रॉफिट है 2,99,900। देन पहला अकाउंट बंद, पीएनएल अकाउंट, अगर जीपी को पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें होती हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा साइड बदलो, ये कहां लिखा टू साइड, जब पीएनएल अकाउंट में जाएगा तो कहां जाएगा बाय साइड, बाय पीएनएल बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखना चाहो बढ़िया है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, प्रिजम्पशन चली आ रही है, इसको हम ठीक करते हैं बेटा, तो ये भी गलत नहीं होगा। मैंने 2,99,900 को ब्रॉट डाउन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। पीएनएल अकाउंट को बंद करो बेटा, दोनों तरफ का टोटल करो इन रफ, जो हाईएस्ट टोटल है दोनों तरफ चिपका दो, हाईएस्ट क्रेडिट साइड ही आ रही है 2,33,500 दोनों तरफ चिपका दिया, बैलेंस आ रहा है बेटा यहां पर लिख दिया। बेटा अगर मेरी क्रेडिट साइड मेरे खर्चों की साइड से बड़ी थी, अगेन जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। और रुक जाए यार, अगर कहा है एक मिनट देख लो तो यार एक मिनट देख लो, वैसे कौन सा इतना पढ़ लेते हो, घर पे भी कभी बैठे इतना पढ़ने, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, इस नेट प्रॉफिट को कहां लेके जाएंगे, कैपिटल में लेके जाएंगे 1,40,000। बाबू ये लिखी हुई है कैपिटल, नेट प्रॉफिट आया 1,40,000 चिपका दिया, सामने देखते रहना। अब नेट प्रॉफिट आ गया तो नेट लॉस तो आएगा ही, डैश 2 और 1 40 3 40 3 40 में से 33 चले गए, 3,07,000, नहीं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है। अब सुन लेना, अगर मैंने अब टोटल करा और लाइबिलिटीज और एसेट्स बराबर आ गई, तो समझ लेना पूरा क्वेश्चन किया ठीक, और अगर ये बराबर ना आई तो समझ लेना कहीं हो गई गलती। और यकीन मानना, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं,
मतलब मैं चाहता तो नहीं किसी के साथ ऐसा, पर होगा जरूर। फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे आप, लाइबिलिटी का टोटल कर लिया होगा आपने, जैसे ही एसेट्स का टोटल करोगे हाथ भी कांपेगा 100%, और भगवान न करे अगर आंसर ना आया, टोटल बराबर ना आया, तो दिल यहां की जगह यहां धड़कना शुरू। मार्क माय वर्ड्स, आवाज यहां से आ रही होगी, ऐसे ही आएगी। और अगर 10 मिनट तक गलत करते रहे और नहीं आया आंसर, तो समझ लेना ऐसा भी हो सकता है दिल भारी आंसर। अब मैं आपको अगेन एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, सुन लेना, बड़े काम की बात है बेटे। अगर टोटल बराबर ना आया तो मैं आपको कुछ टेक्निक सिखा रहा हूं टोटल बराबर लाने की, पर ये माड़े वक्त में इस्तेमाल करनी है, किसी हर क्वेश्चन में चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी पिटाई खा लोगे मुझसे माड़े वक्त, ठीक है ना जी। अब सुनना क्या होगा, बहु फिलहाल तो हमारा सब कुछ ठीक है, तो चलो जी ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, चल। नहीं आया तो क्या, मैं बता देता हूं बेटा, अगर नहीं आया बहुत मशक्कत कर ली, तो जो एसेट साइड का टोटल होगा सिर्फ एसेट का, उसी को सही मानते हुए लाइब्रेरी में चिपका देना, क्योंकि मुझे पता है गलती कहां हुई होगी। गलती ज्यादातर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में होती है, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट बनकर लाइब्रेरीज में आता है, और उसी की वजह से टोटल मिल नहीं रहा होता, ठीक है जी। अगर आपने गलती कर दी होगी तो मिल नहीं मिल रहा होगा ना, मुझे पता है इस साइड में ज्यादातर बच्चे गलती करते ही नहीं है, ऐसा सब और अच्छे से पहचानते हैं। ये टोटल मान लो ये 3 लाख आया और आपका मिला के आ रहा था 295, 3 आ ही नहीं रहा था, 3 लाख को ही दोनों तरफ लिख देना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना, इस 3 में से ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, सब माइनस करो, ठीक है जी। सब माइनस कर लिया, जो बचा वो प्रॉफिट मान लेना, प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट में वही फिगर चिपका देना उधर पी एंड एल अकाउंट, पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करके जीपी की फिगर भी बैठा दो, सब रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है जी, पूरी रिवर्स चलना है फिर, बस यही है गुरु मंत्र, यही है असली ज्ञान, ध्यान रखना, उसके बाद ना बस टीचर को दीजिए साफ सुथरा किया अच्छा ये अंदर, बस उसके बाद तो बेटा बहुत सारी चीजें इग्नोर हो जाती है, ठीक है। पर ये माड़ा वक्त है, सीधा तरीका सीखो भैया, कभी गलती होगी नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस में कमी करोगे तो ही गलती होगी, आप प्रैक्टिस करो, मैं जिम्मेवार हूँ, गलती हो कैसे जाएगी आपकी, क्लियर बात। अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया यार, 28-30 करने हैं, अभी तो विदाउट एडजस्टमेंट के 4 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 1 कर लिया, 3 और पड़े हुए हैं, और उसमें अभी तो विद एडजस्टमेंट पे तो गए नहीं, 28-30 क्वेश्चन तो वहीं पड़े हुए हैं, तो कैसे गलती हो जाएगी। मैं तो देखता हूं ना, प्रैक्टिस की कमी होगी तो गलती होगी, वरना होगी, ठीक है। एक काम कर लेना, वैसे मैंने सोचा था कि मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, 1 छूट गया मुझसे, मतलब 1 ही हो पाया, क्योंकि यार देर इतनी लग जाती है बैच में कुछ चीजें समझाने में, 14 हुआ है, 15 इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क है। अब ईमानदारी से कर लेना, ठीक है, अगर सच में नंबर लाने का मूड है ना, ये चैप्टर अकेला ही पूरा पाट देगा। रख रहे आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।